बलरामपुर इंडो नेपाल सीमावर्ती विकास खंड हरैया सतघरवा के मिश्रपुरवा में 5 वर्षों से चल रहा सीएचसी निर्माण कार्य पूर्ण नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनकर तैयार हो गया है। यहां सृजित पदों पर चिकित्सक व अन्य कर्मियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होते ही इसका संचालन शुरू हो जाएगा। 6 करोड़ की लागत से बने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तराई क्षेत्र के करीब 1 लाख लोगों को चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिलेगा। हरैया सतघरवा ब्लॉक भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरे तराई क्षेत्र में अभी तक सिर्फ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में था। लोगों को लंबी दूरी तय करके इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर आना पड़ता था। 2000 सर 2016 से शायद मेरे जानकारी 2015-16 से स्टार्ट हुआ है, तो शायद हॉस्पिटल बनके तैयार भी हो गया है। बगल में हॉस्टल वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर तैयार हो गया तो चालू होना चाहिए। अगर चालू होता है तो हम जैसे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत बने, और तमाम जो गरीब हैं, ये पिछड़ा क्षेत्र है मेरा, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हो। जो बलरामपुर शिवपुरा दौड़ के जाते हैं बेचारे, बस की किराया नहीं रहती है, यहाँ अगर ये चालू होता है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। आम नागरिक जो जनमानस है उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी चालू हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।